हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। हम लोग जेंडर टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड फेमिनिन जेंडर एंड मस्कुलिन जेंडर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एंड थर्ड है कॉमन जेंडर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर? A word refers to the both. A word refers to the both. Male and female is called as जेंडर। इसका क्या मतलब है? ए वर्ड रेफर्स टू द बोथ। इट मींस कि एक ऐसा शब्द जो दोनों को रेफर करे, दोनों का बोध कराए, मेल का भी मींस पुरुष जाति का भी और फीमेल का भी मींस स्त्री जाति का भी, है ना, लड़का जाति और लड़की जाति, जो दोनों का बोध कराए, इसमें कॉमन होता है दोनों, तो वैसे वर्ड को दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, वो सारे वर्ड्स जो मेल और फीमेल को डिनोट कराए दोनों को, तो सारे वर्ड्स को कॉमन जेंडर के कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, एग्जाम्पल डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, है ना। तो डॉक्टर वर्ड जो है वो बिकॉज दिस वर्ड डिनोट्स मेल और फीमेल बोथ सेक्स, सो दिस वर्ड इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, डॉक्टर कॉमन जेंडर होगा। देन टीचर भी दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, तो टीचर भी कॉमन जेंडर होगा। नेक्स्ट चाइल्ड, बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, है ना। देन और भी इस तरह से फ्रेंड इटीसी, फ्रेंड भी मेल फीमेल दोनों होता है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, है ना, तो वो सारे वर्ड्स कॉमन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, आई होप कि ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रल जेंडर। फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसका हिंदी होता है नपुंसक लिंग। तो ए वर्ड रेफर्स टू द लाइफलेस और एनीथिंग is called as neuter gender. इसका क्या मतलब है? The meaning of this definition is a word refers to the lifeless or tiny thing is called as neuter gender. Means एक ऐसा शब्द जो कोई भी निर्जीव चीज जिसमें कोई जान नहीं होता है, ठीक है, जान इसमें जब ऐसी चीजों में जैसे व्हाइट बोर्ड, बेंच, टेबल, मोबाइल, कॉपी, पेन, कुछ भी ऐसे पेंसिल जो भी हमारे पास है, बुक्स, तो वो सारे लाइफलेस थिंग्स हैं जिसमें जान नहीं होती है, तो वो सारे लाइफलेस थिंग्स को न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, और टीनी थिंग्स, और कोई भी टीनी थिंग्स है, छोटे छोटे जीव जंतु, इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े जो भी है, छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह या कोई भी वस्तु छोटी छोटी, तो वो सारे टीनी थिंग्स को भी न्यूट्रल जेंडर के ही कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग के पास बुक सबके पास होता है, तो बुक वर्ड जो है, क्योंकि ये लाइफलेस है, बुक में जान नहीं होती है, तो बुक इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ये न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में होगा। पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सब
छोटे ये लाइफलेस थिंग्स हैं, उसके बाद एंट चींटी ये छोटी जीव है, टिनी थिंग्स है, टिनी एनिमल ये टिनी इंसेक्ट है ना, और ऐसा कोई भी इंसेक्ट, और अभी जो भी ऐसा ऐसा चीज आएगा टिनी थिंग्स या फिर लाइफलेस थिंग्स, वो सारे चीज जो है वो न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आता है। ओके तो ये था हमारा जेंडर का फोर काइंड्स, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ओके फेमिनिन जेंडर जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग बोला जाता है, मस्कुलिन जेंडर जिसको हिंदी में पुलिंग बोला जाता है, कॉमन जेंडर जिसको हिंदी में सामान्य लिंग बोला जाता है, न्यूट्रल जेंडर जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग बोला जाता है। ओके तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका कुछ रूल्स हम लोग अभी वीडियो खत्म, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसको और डिटेल से समझने के लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे, इसके कुछ रूल्स मस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मस्कुलिन में बदलने के लिए कुछ रूल्स सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।